हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, सरलीकरण वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें आगे देखते हैं। देखिए, 3 × 4 − 3 इसके अपॉन में है 1/2 / 2। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो, पहले हमने यहाँ पे लिख लिया, सर लिख लिया 4 × 3 × 12 12 में से 3 − 9 अब देखिए 1/2 है, अगर हम इसे क्या करेंगे, इसे हम उसमें ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 × 1 हो जाएगी, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, है जी। तो 1/4 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 4 = 36। अगर 36 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही आंसर आएगा, तो इसका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 × 10 + 3 × 2 × 10 + 4 है ना। तो पहले हमें क्या करना, पहले हमें मल्टीप्लाई करनी, 10 × 5 = 50 हो गए, फिर हमने 3 × 3 कर दिया, × 10 = प्लस 4। तो हमें अब मल्टीप्लाई करना, 50 सेम का सेम रहेगा, 3 × 3 = 9 और 9 × 10 = 90 प्लस 4, 94 कितने हो गए, 140, और 4 जोड़ दिया 144 आ सारा। तो इसको बी वाला ऑप्शन। अब देखिए 16 × 8 / 4 तो क्या करा, पहले डिवाइड करते हैं, 16 सेम का सेम लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया 2 आ गए, और 16 × 2 = 32 तो 32 आंसर आ गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमने 364 को 364 से डिवाइड करा, 1 आंसर आ गया। फिर 364 की मल्टीप्लाई 364 में करी, तो 364 ही आ गया, और −364 = 0, तो सी वाला ऑप्शन सही है इसका, 0। क्वेश्चन नंबर 5, 801 + 570 / 19 − 15 ऑफ 8, ये ऑफ का मतलब काउ है, का मतलब ओ। तो सबसे पहले हम ऑफ को ही सोल्व कर दें, तो सारी संख्या सेम की सेम लिख दी, तो 15 × 8 = 120 हो गए, इनके 15 × 120। तो अब हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर पर, तो हमने 801 का नहीं लिख दिया है, 93 × 57 हो, उतार लीजिए 36 लगा दीजिए, 30 आ गया। अब भाई इन दोनों को ऐड कर लिया, 831 आ गया, इसमें से माइनस कर दिया, 711 आंसर आ गया, तो डी वाला ऑप्शन। अब देखिए, पहले इनके होल खोल लो, 4 × 32 = 33, 33/4 हो गए। पर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें का करना, का को सोल्व करना, का का मतलब हो है ओ, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दी, तो हमने इसे लिख के यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई करके इसे सेम का सेम लिखा, 8 × 32 हो गया, और 5 × 9 = 45 हो गया, ये आंसर है। अब 4/5 सेम का सेम होगा। अब हमने 3/4 को नहीं लिखा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करने के लिए रिसिप्रोकल कर देंगे, वाइस वर्सा भी कहते हैं, व्यक्तिक्रम भी कहते हैं, है ना। तो 45 ऊपर चलेगा, 32 नीचे आ गया, तो हमने 5 से इसे काट दिया, 45 को 5 × 9 = 45 कट गया, तो इस 4 से इस 4 को काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा, नीचे 32 बचा, ऊपर 33 और 9 बचा, और 3 × 27 = 7, 3 × 27 = 28 हो गए, और 32 नीचे था, ये सेम आ गया। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।